अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस टाइम जो है मैं समीर भाई के साथ मौजूद हूँ। समीर भाई ने एक डन फेरो का पीस लिया, उससे हम पूछते हैं इन्होंने कितने का लिया और उससे कितने पैसे इन्होंने कमाए। अच्छा अस्सलाम वालेकुम साहब, ये हमने डन फेलो का एक पीस लिया था, आज से कोई 2 साल पहले लिया था। सही, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे तो मैंने एक पीस लिया, सबसे टॉप का ले लिया था पार्ब्लू ओपलाइन डन फेलो। सही, फिर मैंने इसको लगाया ग्रीन फिशर वाइल्ड टाइप लेके, उसमें से हमने पिछले सीजन कोई 7-8 बच्चे स्प्रेड बनाए थे, जिसमें से 2 बच्चे मैंने सेल आउट कर दिए थे और एक फीमेल फिर मैंने रीबाई कर ली थी। ये एक फीमेल खरीदी थी 2.5 लाख रुपए की। सही, और बाकी जो है इसके बच्चे थे कुछ, तो ये अपने ही घर का मेल के साथ इस पे लगाया। सही, अब इसमें से भी बच्चे आए, इसमें से कुछ विजुअल बच्चे आए और बाकी सारे स्प्लिट आए। ठीक है, बाकी इस सीजन हमने इसी मेल से कोई, मैं इस वक्त 8 से 10 बच्चे हमारे पास स्प्लिट्स और बना चुके हैं। सही, और इस सीजन में 2 से 3 बच्चे सेल भी कर चुका हूँ इसके। ठीक है, तो 8.5 लाख रुपए का ये मैंने मेल लिया था, वो सारे पैसे रिकवर हो चुके हैं। उसके अलावा इसके इस वक्त आप यहाँ पर बच्चे देख सकते हैं, आपको दिख रहे होंगे। जी जी जी, उस वक्त देख सकते हैं ये सारे इसके स्प्लिट्स हैं। ठीक है, अब आप खुद बता सकते हैं कि स्प्लिट डन फेलो मैं इस वक्त कितने में बेचूँ, तो ये सारे बच्चे इसके हैं। सही, तो अगर एक मैक्सिमम आइडिया हम लगाते हैं 1 लाख रुपए का एक तो बच्चा, ये तो मरे से मरी प्राइस लगा दिया आपने। अगर 1.5 भी मैं बोलूँ ना, 1.5 में भी इस पर घस खेल के सब लोग कैच नहीं, मैं आपके ऐसे ही लगा के 1 लाख भी लगा लें। हाँ, 1 लाख भी लगा लें तो 8 लाख आपकी इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद आपके पास कितना प्रॉफिट आ गया माशाल्लाह जी, बस आप खुद कैलकुलेट कर लें।